भारत गांव का देश है। भारत की ज्यादातर जनता गांव में ही बसती है। महात्मा गांधी भी कहते थे कि अगर वास्तविक भारत देखना है तो एक गांव में ही संभव हो सकता है, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में ही बसती है। और इसी आत्मा के दर्शन के लिए हम निकल पड़े हैं गांव की ओर। जी हाँ, आज हम पहुंच चुके हैं गरनाला गांव, और गरनाला गांव में आपको तमाम तरह की यहाँ की जो खासियतें हैं वो बताने वाले हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात इस गांव को लेकर ये भी है, क्योंकि इस गांव के एक बेटे ने भारत के लिए वो काम किया है जिसे हमारा देश और हम खुद भी नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर बनिए हमारे साथ हम सफर, और चलते हैं गरनाला गांव की ओर। गरनाला गांव के सफर पर हम चल रहे हैं, और इस समय हम पहुंच चुके हैं व्यायामशाला। हालांकि ये जो व्यायामशाला है ये निर्माणाधीन है, आपको दिखाएंगे इसकी तस्वीरें भी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि निर्माण कार्य चल रहा है यहां पर, लेकिन ये व्यायामशाला जब बनकर तैयार होगी तो जो गांववासी हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो इसलिए भी क्योंकि योग कितना ज़रूरी है आज हमारे लिए, ये किसी से छिपा नहीं है। सरकार भी अपना प्रयास कर रही है, योग दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और गांव में अगर विकास होता है और यहां पर व्यायामशाला बनती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना जो फ़ायदा है वो यहां पर ग्रामीण है उनको होने वाला है, और जागरूक भी कितना यहां पर ग्रामीण होंगे योग को लेकर। आज हमारा स्वास्थ्य जो है दिन प्रतिदिन किस तरह से जो है खतरे से बनता जा रहा है, जो हमारा खान पान है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी लगती है, लेकिन इस तरह की व्यायामशाला होगी, जब ग्रामीण एक साथ इकट्ठा होंगे, एक ही जगह पर इकट्ठा होंगे, तो आराम से इस जगह पर बैठकर बातें भी करेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सकेंगे। तो गरनाला गांव के सफ़र में हम चल रहे हैं, और आप हमारे साथ हम सफ़र है। इसी सफ़र में चलते चलते दो बुज़ुर्ग गरनाला के हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पैदाइश भी यहीं हुई है, इनके बुज़ुर्ग भी यहीं रहते थे, तो इनसे पूछते हैं कि गरनाला गांव का इतिहास आखिर है क्या। आपसे जानना चाहेंगे पूरनचंद जी, आपको किस तरह से जो है इस गाँव के इतिहास के बारे में मालूम हुआ है, आपके बुज़ुर्ग क्या कहते थे, आपकी पैदाइश यहाँ पर हुई है, इस गाँव के बारे में किस तरह से देखते हैं आप? हमारे बुज़ुर्ग खेती बाड़ी कर रहे तो वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब बढ़ते चले गए। फिर हमने सर्विस मिल गई, आईटीआई डिप्लोमा कराया है, इसी तरह फिर हमारे बच्चे ने सर्विस मिल गई, भी आगे से आगे मतलब बढ़ती होती चली गई। आज के गांव में और जब आप बचपन था आपका उस गांव में कितना फर्क आप देखते हैं? जीवी समान का फर्क है, जीवी समान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्या क्या डिफरेंसेस आज है, क्या क्या तुलना आप करेंगे पहले और आज के टाइम में? पहले मकान कच्चे थे, रास्ते गोर कच्चे थे, हैं कोई दिहाड़ी करता था, नौकरी पेशा नहीं था, और जब हमें नौकरी मिल गई हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चे को मिल गई। तो आपने उस समय का आईटीआई डिप्लोमा कर रखा? हाँ जी, आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है। यानी उस समय भी आप शिक्षा की जो जागरूकता थी वो थी आपके समय में भी? तो मैं ट्रेड पॉइंट में आईटीआई कर ली थी अंबाला सिटी से, जब तो यहाँ बिल्कुल साइड से बने हुए, आपने तो पता भी नहीं होगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें नौकरी मिल गई, तो इसलिए वो पहला समय बहुत बढ़िया था, चाहे उसमें गरीबी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल है, और हमारे साथ फौरी लाल यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी लाल ही हैं, इनसे भी जानते हैं इस गांव के बारे में। आप किस तरह से सहमत है इस गांव को लेकर पहले की तुलना में और आज की तुलना में? पहला तो जी पूरा कोई रिश्तेदार भी नहीं बढ़े था, इतनी गंदी हालत इसे कहूंगी पहले। हाँ पूरे पूरे तो बस गारे मन लखे करेंदे। अच्छा, तो बहुत अच्छी पोजीशन में पूरा। पहला क्या, पहला बीच ने कोई आवे दा गारे माता दें दे। अच्छा। उसके पैर तुम्हें मैं देख रहा दिनचर्या आपसे पूछे। टाइम पास तो भाई सीख रहा हो रहा बाबू जी, इब टाइम तो न्यू है, जो चंगा सरपंच था ने पिलसना लुआ दी, कलोनिया लुआ दी है, कहीं नहीं हुआ भी क्यों रोटी खा रहे गरीब बंदे, ऐसे भी बंदे हैं वहाँ, इन्हें राशन नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। हाँ। और अच्छे से चल भी रही है ना, इसी तरह चलती रहेगी, और चलती का नाम जिंदगी है। हम भी चलते हैं आगे और लोगों से ही मिलेंगे, गांव के बारे में जानेंगे,
देखेंगे इस गांव की और क्या कुछ खासियतें हैं। जैसे कि हमारे जो दो बुज़ुर्ग थे गांव के, उन्होंने इस गांव के बारे में बताया और ये भी बताया कि पहला का समय जो था वो कैसा था और आज का समय जो है उसमें क्या बदलाव आए हैं। जाहिर सी बात है विकास तो हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं गाँव की कुछ खासियतें। हमारे देश के वीर जवानों का बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते और ये जो गांव है इसी बलिदान को हमें याद भी दिलाता है, क्योंकि इस गांव की खासियत ये भी है क्योंकि इस गांव से भारतीय सेना में बहुत युवा गए हैं, आज भी कार्यरत हैं और बहुत रिटायर भी हुए हैं। इसी तरह के एक रिटायरमेंट लिए हुए भारतीय सेना से हमारे एक बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो एक गाँव है इसकी और क्या कुछ जो है खूबियाँ हैं इस गाँव में और यहाँ के युवाओं की सोच क्या है, क्योंकि ये खुद बुजुर्ग हैं, युवा रहे हैं, यहीं पर इनकी पैदाइश हुई है और यहीं पर रहते हुए ये भारतीय सेना में गए और आज रिटायर्ड हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप भारतीय सेना में थे, आपका किस तरह से दौर रहा और किस तरह आपको प्रेरणा मिली कि आपको भारतीय सेना में जाना चाहिए? ऐसा कि बहुत ज्यादा बाहर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड के अंदर, हाई एल्टीट्यूड में काफी सर्विस की है। बाकी रिटायर देखो आर्मी से 27 साल करके हम हो गए, बाकी लड़ाई हमने लड़ी है इसकी, श्रीलंका की लड़ाई लड़ी जी। और बाकी कई काम किए। पहले के समय का जो गांव था आपका और आज के समय का गांव है, कितने चेंजेस आप देखते हैं? उसमें तो चेंजिंग बहुत हुआ था, चेंजिंग हुआ। ये देखो सड़कें मर गई, पहले सड़कें नहीं था, ये रोड में बहुत कच्चा रोड था, तो बहुत टूटा, इस तरह गारा होता था, ये निकलवा गए सारा रोड, तो चार चौरे बन गए। सबसे बड़ी समस्या सर की भाई यही है जोड़। समस्याएं तो बहुत हैं इस गांव में, जैसे कि आप कह रहे हैं जो तालाब की बात हो रही है जहां पर गंदगी ज्यादा है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल भारतीय सेना में ये थे, रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन ये जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो नौकरियां नहीं देती हैं, अपने दम पर ये भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करते हैं। आगे चलेंगे, कुछ और बातें होंगी और गाँव की कुछ और जो है तस्वीर आपको दिखाएंगे जो आपको बतलाएगी गरनाला गाँव की कहानी। व्यायामशाला बन गई, आप जाके योग करेंगे वहाँ पर, जब वो बन जाएगी जाकर आप योग करेंगे वहाँ पर, योग करेंगे, योग बाबा रामदेव वाला योग करेंगे आप करेंगे। अच्छा, योग का कुछ मालूम है आपको कितना फायदा होता है? योग के बारे में कुछ पता है आपको? योग के बारे में? अच्छा, योग किया आपने? करके दिखा सकते हैं आप? अभी करके दिखा सकते हैं? अभी करके दिखा सकते हैं कुछ योग? कर देगा, कुछ करके दिखा सकते हैं? कर लेगा, कर लेगा। ये हरियाणा की हाजिर जवाब भी इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके गांव में महिला सरपंच भी है, उनके बारे में बताएंगे किस तरह उन्होंने काम किया है, एक मिसाल पेश किया उन्होंने महिला होने के नाते। अच्छा काम कर रही है और सूझवान है, पढ़ी लिखी है, तो जेंट है, बोलने में भी होशियार है, चौकस है। आपकी तरह नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बूढ़ा है क्या, सारे गाँव में जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपके गांव के बारे में सारी तस्वीर जो है वो जो हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा कार्यक्रम हमारा, मतलब आप कह रहे हैं कि शहर में अभी तो ये कुछ नहीं होती, अभी तो ये पग देखी था, 100 पग में एक पग बंदा का मेरे जैसी, इतनी अच्छी पग बंदू का मैं, बहुत पुराना बंदा। अच्छा, और कपड़े भी अच्छे पैक ले दूंगा, करे तनु जाकर सलूट मार दूंगा, हाँ छोटा था और मैं तेरा बड़ा पन कर दूंगा। अलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया, सोचते ही सोचते से मेरा हो गया। आया समझा? आज पति के देश चला तार रेशमी तीर दरा सरा कर भगवान बीस चल सारी सखी चल गई जरा देर करी ना पलकी जट सासरे माँ पहुंच गई सर देर करी ना। तो गांव के कई रंग होते हैं और गरनाला गांव के सफर में हम हैं और सबसे बड़ा रंग आस्था का रंग होता है। जी हाँ, गांव हो और आस्था ना हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और ये उदाहरण हमारे लिए भी है क्योंकि आज भी गांव में जो है आस्था बनी हुई है। उधर आप देख सकते हैं, उधर मंदिर है। कहानी जो है वो बटोरने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं और आपको बताएंगे
बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है यहीं पर, उनसे जानते हैं, आपसे जानना चाहेंगे इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जो आस्था है ये आस्था क्या है? मैं बताता हूँ जी, हमारी मेरी उम्र है 62 साल, मैं 62 साल से यही देख रहा हूँ कि ये दूसरे गांव का था, यहाँ डंगर जगाते थे, डंगर जगाते थे तो ये अपने घर गया खाना खाने के लिए, जो हमने सुना बड़े बुजुर्गों से, ये खाना खाने के लिए गया, वहाँ जाके अपनी प्रजा इन कहने लगा मेरे को खाना दो, वो बोलने लगी खाना तो अभी बनया नहीं, कर इतनी जल्दी जल के मर जाओ, ये इसने यहाँ कट्ठे गोहे गोहे कराए कट्ठे और अपना लकड़ी लकड़ियाँ उसमें बैठ के आग लगा ली। इसके पास एक कुत्ता भी था, वो कुत्ता उनको बुलाने के लिए गया घर पे इनके, ये नसीम्बली पड़ता है गाँव, वहाँ से कोई नहीं आया, जब उसका संस्कार हो गया इसने कुत्ते ने बीच में छलांग लगा दी, कुत्ता भी इसके साथ ही हो गया। 12 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ उसको भाई, यही कहानी सुन रहे हैं। सामुदायिक केंद्र आपको दिखा देते हैं, उन्हीं के नाम का जो बाबा थुला कहते हैं, जो कहानी बताई है इन्होंने, और पीछे ही आप देख सकते हैं सामुदायिक केंद्र है गरनाला, और इसमें काफ़ी मदद उन लोगों की होती है जो गरीब परिवार हैं, जो शादी ब्याह करते हैं उनके पास जगह मुहैया नहीं होती है, वो यहीं पर आकर जो है शादी करते हैं, और जो भी कार्यक्रम होता है घर में खुशियाँ होती हैं यहाँ यहीं पर जो है सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन एक तस्वीर दूसरी भी है यहाँ पर, वो काफ़ी परेशानी वाली है खासकर ग्रामवासियों के लिए, और समस्या भी है। ये आप देखिए, जैसे कि एक आस्था हमने आपको दिखाई, एक मंदिर था एक बाबा थुला के नाम का, यहाँ भी एक आस्था का केंद्र है, सामुदायिक केंद्र है, लेकिन ये जो तस्वीर है ये काफ़ी जो है परेशान करने वाली है, काफ़ी दुखद जैसे कहेंगे तो कहना गलत नहीं होगा। कुछ ना कुछ विवाद इस गंदगी को लेकर है, आप दूर तक देख सकते हैं, यहाँ पर अपनी बीमारी का घर होगा, जो यहाँ पर लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे परेशान है। बुजुर्ग है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं इसके बारे में। का पानी सारे गांव की लैटरिंग है ये, उसका पानी आ रहा है ये, सारे गांव का नल जितना फ्लश है ये, और ये आपके सामने ही है जो भी है, हमारे घर में भी सबको बच्चों को खाज हो गई है, दमा हो गया है, हाँ जी बीमारी हो गई, हाँ बहुत, हम किसको कहेंगे ये बात, में किसी को कह नहीं सकते। तो इसका अभी तक समाधान क्यों नहीं, कितने लंबे समय से ये जस का तस बना हुआ है? तो कम से कम ये होगा, कम से कम 20 साल से तो है। 20 साल से, हाँ। तो अभी तक किसी भी सरपंच ने या फिर कोई अधिकारी यहाँ पर आया और स्वास्थ्य विभाग ने कोई सुध नहीं ली गांव की? कोई मदद नहीं है सरकार की, ना सब खाने पीने वाली सरकार आया, और चोरा की सरकार जमाना चमचा को रहने वाली, इसमें क्या आया, कोई नहीं, गरीब का कोई रखवाला नहीं है, और क्या आपके सामने इतना गंदे तो कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना गंदे देखो आप कहीं मिलेगा, यानी तर्कहीन तर्क है। हाँ जी, आप ही देख लो जो गंदगी मोदी साहब जी कर रहे हैं, साफ सफाई बिल्कुल, बड़े बड़े वादे करते हैं, 2019 में आएंगे, 19 में भी आएंगे, 19 में भी आएंगे, वादे करेंगे हम यो करेंगे वो करेंगे, करते कोई कुछ नहीं है, कापी के चले जाते हैं वोट लेके, गरीब आदमी दिहाड़ी कर रहे हैं, मजे वो कर रहे। शिकायत तो बड़ी है, विकास होना चाहिए, लेकिन इस तरह का विकास तो नहीं कोई चाहेगा, यहाँ पार्क भी बन सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, सामुदायिक केंद्र है, एक और सामुदायिक केंद्र आप बना दीजिए या और भी निर्माण कार्य कर दीजिए, जैसे कि जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले उनको फायदा हो, कम से कम नुकसान तो ना हो। जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा भी कि हमारे जो घर में बच्चे हैं वो तक प्रभावित हैं, वो तक जो है बीमारी की चपेट में आ चुके हैं सिर्फ इस गंदगी की वजह से। अब देखना होगा कि जो नेता लोग हैं यहाँ पर वोट बटोरने के लिए आते हैं क्या वो इसकी ओर ध्यान देंगे। 2019 आने वाला है, जैसा कि यहाँ पर जो ग्रामीण है वो भी कह रहे हैं कि लोग तो आते हैं, नेता तो आते हैं, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ आश्वासन देके चले जाते हैं। 2 जनवरी 2016 ये वही तारीख थी जिस दिन हमारे देश का लाल, इस गांव का बेटा शहीद हुआ था। उस बेटे का नाम था गुरसेवक, जी हाँ, जिन्होंने पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी जान गंवा दी, देश के लिए शहीद हो गए, और आज उनका नाम अमर है, और उन्हीं का नाम जो है आप देख सकते हैं, शहीद गुरसेवक सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गरनाला अंबाला। 10वीं तक ये स्कूल था लेकिन अब 12वीं तक है, और शहीद गुरसेवक सिंह के नाम से ही अब ये स्कूल जाना जाता है। स्कूल के अंदर चलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर स्कूल में क्या क्या अब जो उपलब्धियां हैं वो अभी हुई हैं, इसके अंदर खासियतें हुई हैं, सुविधाएं स्कूल में क्या क्या है, क्योंकि 12वीं तक का ये जो स्कूल है अब हो चुका है, जो गांव के बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं काफ़ी सुविधाएं भी स्कूल में उनको मिलती हैं। तो हमारा जो देश का जवान था जिस पर हमें फख्र है, नाज है, उनका स्टैचू आप यहां पर देख सकते हैं,
गुरसेवक सिंह जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारा देश का जवान गुरसेवक शहीद हो गया था। 2 जनवरी 2016 को वायुसेना स्टेशन पठानकोट में आतंकवादियों के एक दल ने घुसपैठ की थी और भारतीय वायुसेना की एक गरुड़ कमांडो की एक टुकड़ी आतंकवादियों के विरुद्ध विशेष ऑपरेशन के लिए तैनात की गई थी। और गांव गरनाला, जिस गांव में हम मौजूद हैं, डाघर धनकोर, जिला अंबाला के रहने वाले कार्परल गुरसेवक सिंह मुख्य गरुड़ दल का नेतृत्व कर रहे थे और कार्परल गुरसेवक सिंह ने आतंकवादियों के दल को खोज निकाला था और उसी के बाद जो है अपने दल को सचेत किया। कॉर्पोरल गुरसेवक सिंह ने अपने दल के साथ आतंकवादियों के साथ बहुत नजदीक से गोलीबारी करके मुकाबला शुरू कर दिया था, जो कि वायुसेना के तकनीकी क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे। और कॉर्पोरल गुरसेवक सिंह ने अपने दल के साथ वहां की सामरिक संपत्ति और कार्मिक और उनके परिवारों के जिस तरह से बहुमूल्य जीवन है उसकी रक्षा की और अन्यथा आतंकवादी इन्हें भारी क्षति पहुंचा सकते थे। बावजूद यहाँ पर बच्चे खेलते हुए नजर आ जाते हैं और यही पहचान है गांव की, क्योंकि आपने देखा कि हरियाणा के तमाम जो खिलाड़ी हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने किस तरह से हरियाणा का नाम रोशन किया, या फिर ओलंपिक की बात करें, हरियाणा के खिलाड़ी हमेशा मेडल्स लाते हैं देश के लिए और देश का नाम रोशन करते हैं दुनिया में, और हमें उस पर भी नाज होता है, उस पर भी हम कहीं ना कहीं फख्र महसूस करते हैं। और गरनाला गाँव में इसमें आगे है। ये बच्चे यहाँ पर इस समय वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए हैं हमें, और जैसे कि हम कह भी रहे हैं कि छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद भी धूप और गर्मी इनको सताती नहीं है और ये खेलने के लिए आ जाते हैं। बेटा, इतनी गर्मी में भी यहाँ पर खेलने के लिए आए हो आप स्कूल में, छुट्टी होने के बावजूद भी खेलने के लिए आए हो? अच्छा, रोजाना आते हो आप जब भी छुट्टी होती है? आप यहीं पढ़ते हो स्कूल में? जी। अच्छा, कौन सी कक्षा में हो? छठी। सिक्स्थ क्लास में हो आप? ठीक है। पढ़ाई कैसी होती है स्कूल में? अच्छी। बड़े होके क्या बनोगे? सोल्जर, सैनिक, गुरसेवक सिंह की तरह? हाँ। आपको पता है गुरसेवक सिंह ने देश के लिए क्या किया है? गुरसेवक शहीद गुरसेवक सिंह जी ने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी है। आप में से कोई भी गुरसेवक सिंह जी से मिला था? शहीद गुरसेवक सिंह जी से आप मिले थे? हाँ। अच्छा, मेरे पापा के दोस्त थे वो। अच्छा, आपके पापा के दोस्त थे वो, कभी आपकी उनसे बात हुई थी? आपने उनको देखा था सिर्फ? हाँ। पापा के साथ? हाँ। पापा क्या बताते हैं अब? ये बच्चे ही जान सकते हैं, दुख बहुत होता है जब अपने चले जाते हैं, और ये बच्चा भी शब्द नहीं है मेरे पास कुछ भी कहने के लिए। तो गांव की बात और खेतों की बात ना हो ऐसा संभव नहीं है। हम गरनाला गांव के खेतों में इस समय मौजूद है और जहां फसलें पककर तैयार होकर कटकर मंडियों में जा चुकी है, खरीदारी हो चुकी है, तो वहीं कुछ सब्जियां भी होती हैं और जो कुछ और फसलें होती हैं जो इस सीजन में होती हैं। और यहां पर फिलहाल सब्जियां तो नहीं, लेकिन हरी मिर्च ज़रूर है जो आप रोज़ाना अपने जो भोजन है उसमें ज़रूर सम्मिलित करते होंगे, क्योंकि बिना हरी मिर्च के सब्जी भी बनाना आज के समय में पॉसिबल नहीं है। सभी जो है हरी मिर्च पसंद करते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक होती है। और यहाँ पर ये हरी मिर्च है, और इसके अलावा आपको वहाँ पर दिखा दे, थोड़ी सी दूर ज़रूर है लेकिन वहाँ पर मत्स्य पालन भी किया जाता है। वहाँ पर जो किसान है इस तरह का जो अपना कोई साधन बनाते हैं जिससे उनको आमदनी भी हो सके। और जैसा कि महात्मा गांधी का जिक्र मैं ज़रूर करता हूँ हमेशा गांव में आकर, मुझे उनकी याद ज़रूर आती है। वो भी कहा करते थे कि जो आदर्श गांव है, या उनका सपना था कि जब तक स्वावलंबी कोई गांव ना हो जाए वो गांव भरा पूरा नहीं हो सकता है। शहर जाते हो कभी? हाँ जी जी। अच्छा, शहर में और गांव में तुलना करें आप, अगर देखें अलग अलग चीज़ें देखें तो अच्छा कौन सा, गाँव या शहर? गांव। शहर वाले कितने हाथ खड़े करो, 1 2 3 4 5, और गांव वाले हाथ खड़े करो, 1 2 3। जो 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 चीज गांव के बच्चों को पता है, जैसे कि प,
पाथी होती है, ऐसे इसको बैंस है, ऐसे चीजें वो शहर के बच्चों को नहीं पती होती, जैसे गांव के जो जो बातें वो शहर के बच्चों को नहीं पती पता अच्छा, होती है। अच्छा, और गांव के बच्चों को पती होती है। आपको क्या 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 लगता है कि शहर शहर अच्छा है या गांव? शहर शहर अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको बाजार में से जी कुछ कुछ मिलता है। जी शहर में ना पोल्यूशन होता है जी, पोल्यूशन होता है, लेकिन पोल्यूशन भी होता है ना, फैक्ट्रियां होती हैं, गंदा धुआं होता है, एयर पोल्यूशन भी ज्यादा होता है गांव शहर में, ट्रैफिक ज्यादा होती है। तो करनाला गांव की गलियों में हम घूम रहे हैं और घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं शहीद गुरुसेवक सिंह के घर। उनके पिताजी से बात करेंगे, उनके परिजनों से बात करेंगे और इस गांव के बारे में जानने की उनसे भी कोशिश करेंगे। चलते उनके घर। तो शहीद गुरुसेवक के घर पर हम मौजूद हैं और उनके पिताजी भी हमारे साथ इस समय यहां पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं, इस गांव के बारे में जानेंगे और साथ ही शहीद गुरुसेवक के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप इस बारे में क्या कहेंगे इस गाँव के बारे में, और साथ ही गुरुसेवक जी भी क्या सोचते थे इस गांव के बारे में? गुरुसेवक एक बहुत नेक और अच्छा इंसान था, पढ़ाई में बहुत लायक था, कोई भी काम गुरुसेवक करता था मन लगा करके करता था। जैसे गुरुसेवक ने पढ़ाई की मन लगा करके की, एयरफोर्स में नौकरी की मन लगा करके की, जो जो भी काम उसको सौंप दिया एयरफोर्स का या कोई भी काम घर का सौंप दिया, उसने अपना काम बड़ा मन लगा करके हौसले के साथ किया। जब लड़ाई लड़ी है उसने एयरवेज के अंदर, वो भी हौसले के साथ लड़ी है, उसमें उसने अपना पीठ नहीं दिखाया, दुश्मन को घेर लिया, दुश्मन को घेर करके वहाँ पर उसने इतना दुश्मन को ढेर नहीं किया, इतना वो दुश्मन के आगे से पीछे नहीं हटा। एक उग्रवादी ने उनको आखिर में 3 गोलियाँ उनके ऊपर दाग दी, गुरुसेवक उस गोली लगने से घायल हो गया, घायल अवस्था में वहाँ पर पड़ा रहा। तो उसके बाद गुरुसेवक कुछ देर के बाद फोर्स नहीं उठा सकी वहाँ से, तो गुरुसेवक ज़्यादा घायल होने के कारण गुरुसेवक वहाँ पर शहीद हो। इस गांव के बारे में क्या कुछ कहते थे जब भी यहाँ पर छुट्टियों में आते थे तो गांव में घूमते थे, गाँव वासियों से बातचीत करते थे, लगाव था उनका गांव से ज़्यादा? हाँ बिल्कुल, गांव में हर एक इंसान के साथ, हर एक अपने जो उसके साथ के बच्चे थे पढ़ने वाले उनके साथ बड़ी मेल जोल से रहते थे यहाँ पर, जो भी उसके दोस्त थे और भी गांव में किसी के साथ भी, कोई भी गांव का उसको ऐसा भी कोई भी इंसान है जो उसको ये नहीं कह सकता कि भी गुरुसेवक ऐसा था वैसा था, गुरुसेवक निकम्मा था, किसी के पास से पूछो जाकर गुरुसेवक की हर एक बंदा उस्तत करता है। इसी गांव में पढ़े हैं गुरुसेवक? हाँ, गुरुसेवक पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक इसी गाँव के स्कूल से उन्होंने 10वीं पास की है, और उसके बाद जो +1 +2 वो ऐसे जैन स्कूल अम्बाड़ा सिटी से की है, और उसके बाद ग्रेजुएशन उच्च शिक्षा की है जो उन्होंने, वो DAV कॉलेज लाहौर से BA किया। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, पूरे देश को जो आपको देख रहे हैं, इस गांव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस गांव करनाला के बारे में? मैं तो यही बात कहूँगा, जैसे ये बच्चे हैं और मेरे गाँव के और लोग बैठे हैं, जैसे गुरुसेवक ने अपने गांव का नाम पढ़ लिख करके एयरफोर्स में जाकर के सेना में ऊंचा किया है, प्रदेश का नाम, गांव का नाम, प्रदेश का नाम, देश का नाम ऊंचा किया, ऐसे मैं इन बच्चों को और अपने गांव को, गांव के लोगों को कहना चाहता हूं कि पढ़ लिख करके सब बच्चे आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाएं और देश की सेवा करते रहें, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। जैसे गुरुसेवक सेवा कर गया देश के लिए, बच्चे भी हमारे गाँव के ऐसे ही नाम रोशन करते रहे। बिल्कुल, ये जो पिता हैं शहीद गुरुसेवक के, उन्हें नाज है आज भी, और आज भी फख्र से इनका सीना चौड़ा हो जाता है जब ये शहीद गुरुसेवक के बारे में कुछ भी शब्द कहते हैं, और आज इनकी यही इच्छा है कि ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इस गांव के, वो आगे जाकर गरनाला गांव का नाम रोशन करें। तो गरनाला गाँव के अंतिम पड़ाव पर हम हैं और अंतिम पड़ाव में हमें अब मिले हैं सरपंच। जी हाँ, सरपंच है यहाँ पर एक महिला जो अपने आप एक मिसाल पेश करती हैं सरपंच के तौर पर भी, और कोशिश कर रही हैं कि गरनाला गांव को विकसित करें जल्द से जल्द, क्योंकि विकास की ओर आगे तो बढ़ ही रहा है गरनाला गांव। नवजोत जी, आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। थैंक यू सर।
सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं सरपंच बनी तब मैं 24 इयर्स की थी और अब मैं 26 ईयर की हूँ। मैंने 2 सालों में बहुत कुछ सीखा भी है, मतलब मुझे इतनी जानकारी नहीं थी सरपंच बनने के पहले, पर मतलब अब जो एक्सपीरियंस हुआ है गांव में बीच रह के कैसे मतलब लोग हैं सब कुछ पता चला है। मेरी शादी को भी मतलब 3 ही साल हुए थे जब मैं सरपंच बन चुकी थी। मतलब मैं अपने जो हमने लीलो केड़ी में वहाँ अपना ट्रेनिंग में सीखा, वहाँ सिर्फ एक ही बात सिखाई गई थी हमें कि गांव का विकास सिर्फ गलियों नालियों तक सीमित नहीं है, हमें वहाँ पर शिक्षा का भी शिक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। तो उसी हिसाब से लेकर मैंने भी हिसाब से प्लस टू तक स्कूल अपग्रेड करने की बात कही तो उन्होंने हमारा स्कूल प्लस टू तक अपग्रेड कर भी दिया है और टीचर्स भी आ गए हैं जी हमारे गांव में। मतलब जो आसपास के गांव हैं कथौली पंजोखरा साहब ये टुंडली सभी बरनाला से सभी बच्चे आते हैं हमारे गाँव में पढ़ने के लिए। गाँव के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं इतिहास के बारे में? सर मैं मतलब जो मतलब शादी के बाद हुआ है जैसे कि शहीद गुरसेवक सिंह शहीद हुए, बस मैं मतलब वही जानती हूँ, उसके पीछे वाला तो मुझे बैकग्राउंड कुछ इतना पता नहीं है। उनके बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मतलब बहुत ही अच्छे थे वो पर्सन, उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी हैं। आपकी क्या कोशिश है कि जल्द से जल्द जो गंदगी है वहाँ पर उसको दूर किया जाए? वही ये सर सोच रहे हैं कि एक बार पहले व्यायामशाला जो बन रही है ना उसमें भी लोग डालेंगे, क्योंकि उसमें जो जमीन है ना पार्क की वो खेत में लोगों ने दाब रखी है, जो कल हम वहाँ पर नींव खुदेगी तो वो परेशान होंगे, तो उसके लिए भी हमने प्रोटेक्शन लिया, 7 तारीख को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। उसके बाद हाँ जी कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद वो जब खत्म हो जाएगा काम फिर वो जोहड़ वाला काम शुरू करेंगे जी, क्योंकि आपको पता है भी एक के बाद एक काम धीरे धीरे चलेगा। सर हौसले तो बहुत हैं, थोड़ा मतलब उन्हें दबाने वाले भी लोग बहुत हैं ना। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ कहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ की गरलाना गांव बुलंदियों को छुए, विकास की ओर आगे बढ़े और एक दिन विकसित गांव हो और दूसरों के लिए भी मिसाल पेश करे। बहुत चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गरलाना गांव जिसमें 2500 के करीब लोग रहते हैं और ग्रामवासी काफी खुश रहते हैं, एक दूसरे से मिलनसार है। 1700 इस गाँव की वोट है और इसके अलावा जो सरकार ने प्रयत्न किया है कि इस गांव का विकास किया जा सके, चाहे वो बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर किसी भी तरह की बात हो, उसमें ये गांव अव्वल सा दिखाई देता है। लेकिन कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए खुद सरपंच साहिबा ने भी एक कोशिश की है। तो कुल मिलाकर इस गांव की बात करें तो कहानी भी दिलचस्प है और कहानी के साथ साथ जो है इस गाँव में किसी भी तरह की जो परेशानी है उसको निजात दिलाने के लिए भी लोग प्रयत्नशील रहते हैं और कुछ खुश मिजाज भी है। तो चलिए आज इस गरलाना गांव की कहानी में इतना ही, लेकिन फिर आपसे मिलेंगे और फिर आपको एक गांव की कहानी दिखाएंगे और चलेंगे उस गांव की ओर। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।